हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड मुकेश। फ्रेंड, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और वो दोस्तों, वो टॉपिक है हमारे बीमार होने का मूल कारण। थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि बीमार हम क्यों होते हैं, उसका मूल कारण क्या है। तो दोस्तों, बीमार होने के तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक, गलत आहार। दूसरा, गलत विचार। तीसरा, गलत जीवन यापन। गलत आहार, गलत विचार, गलत जीवन यापन। दोस्तों, इन तीनों के कारण, इन तीनों के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर दूषित विकार पैदा हो जाते हैं, गंदगी पैदा हो जाती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जहर विष बनने लगता है। टॉक्सिन्स मैटर, मॉर्बिड मैटर या पॉइजन्स, कुछ भी कहिए, अगर संक्षेप में समझे तो इन तीनों के कारण हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में गंदगी जमा होने लगती है। ऐसा नहीं है हमारा शरीर इनको बाहर निकालने का प्रयास नहीं करता, हमारा शरीर भरसक इस गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करता है। शरीर के चार अंग इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं, हमारी आंतें, हमारा फेफड़े, हमारे गुर्दे और हमारी त्वचा। दोस्तों, आंतें नियमित रूप से मल त्याग करने का कार्य करती है, उससे बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है। फेफड़े नियमित रूप से सांस लेने का कार्य करते हैं, श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं, उससे भी बहुत सारे शरीर का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तमाम गैसें बाहर निकलती है। तीसरा, गुर्दे, किडनी। किडनी भी हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करके पेशाब के माध्यम से बहुत सारा टॉक्सिन्स हर रोज़ बाहर निकालती है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारी त्वचा, स्किन, वो भी पसीने के माध्यम से बहुत सारी गंदगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती रहती है। लेकिन दोस्तों, लगातार कार्य करते करते जब शरीर के ये चारों अंग कमज़ोर होने लगते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर से वो गंदगी, वो विकार, वो टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स मैटर्स बाहर नहीं निकल पाते। और जब वो गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, तो दोस्तों हमारे शरीर की नेचुरल प्रतिरोधक अक्षमता होती है, जीवनी शक्ति, वाइटल पावर होती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। शुरू शुरू में वो इससे काफ़ी संघर्ष करती है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक अक्षमता है वो इन चीज़ों से, इस गंदगी से, इस बाहरी गंदगी से बहुत लड़ती है। लेकिन धीरे 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 अगर हम लगातार गलती करते रहते हैं, तो वो जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हमारे जो शरीर के चार अंग ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। और जब गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, तो दोस्तों उसी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी भयंकर भयंकर बीमारी पैदा हो गई, जो जिसका कभी आपने पहले नाम भी नहीं सुना होगा। आज कम से कम 10 करोड़ लोगों को शुगर है, 6 करोड़ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, 6-7 करोड़ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, और तमाम न जाने कितनी प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, आर्थराइटिस, गठिया, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, पेनक्रियास से संबंधित प्रॉब्लम, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम, असंख्य बीमारियाँ। इन सब का मूल कारण है दोस्तों, शरीर में आवश्यकता से अधिक गंदगी का इकट्ठा होना। जब वो गंदगी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तो हम बीमार होते हैं। तो आइए समझते हैं, और विस्तार से समझते हैं कि ये गंदगी कैसे पैदा होती है। मैंने तीन मूल कारण बताए थे जिनसे गंदगी पैदा होती है, गलत आहार, गलत विचार और गलत जीवन यापन। आहार की बात करते हैं दोस्तों। एक आयुर्वेद का या प्रकृति का एक सामान्य सा नियम है कि हमारा आहार, दो प्रकार का आहार हम खाते हैं, या तो अक्षारीय होता है या अम्लीय होता है। अक्षारीय आहार की मात्रा हमारे शरीर में कम से कम 75-80% होनी चाहिए, और अम्लीय आहार की मात्रा 20-25% होनी चाहिए। लेकिन जब ये रेशो उल्टा हो जाता है, हम अक्षारीय आहार कम खाते हैं और अम्लीय आहार ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमारा खून दूषित होता है। और खून दूषित होता है, हमारे अंग पसीने के या पेशाब के माध्यम से खून को साफ करने का प्रयास करते हैं, खून की सफाई निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है। लेकिन दोस्तों वही बात,
जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ऐसा अम्लीय आहार करते रहते हैं और लगातार वर्षों तक ये अम्लीय आहार करते रहते हैं, तो ये गंदगी निकालने में हमारे शरीर के अंग असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा खून दूषित होता है, और जब खून दूषित होता है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। अक्सर ये अम्लीय आहार क्या है, मैं इस पर पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी ही आप लोगों को मिलेगी। अभी मोटा मोटा मैं ये समझा सकता हूँ कि अक्षारीय आहार वो होता है जो नेचुरल फॉर्म में होता है, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने, भगवान ने, अलमाइटी गॉड ने हमें दिया है, जिसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए सहज बुद्धि लगा के आप उसका सेवन कर सकते हैं, वो अक्षारीय आहार है। प्रकृति के दिए हुए सारे फल, सारी साग सब्जियाँ, सारे धान्य, ये जिनके साथ आपको कुछ करना नहीं होता, प्रकृति ने जैसे दिए हैं उसी के अनुसार हम उसका सेवन करते हैं, वो सब अक्षारीय आहारों में आते हैं। अम्लीय आहार वो आहार होता है जिसके साथ हम अपनी विकृत बुद्धि लगाकर उनको मिर्च मसाले डालकर तलकर भूनकर उनको विकृत कर देते हैं, यानी कि कुकड भोजन, पकाया हुआ भोजन। जितना भी पकाया हुआ भोजन है, जितना भी कुकड भोजन है, प्रोसेस्ड भोजन है, फास्ट फूड है, तला भुना मिर्च मसालेदार भोजन है, ये सब अम्लीय भोजन है। दोस्तों, इस अम्लीय भोजन की मात्रा हमारे खाने में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से हमारा खून अम्लीय होता जाता है। और दोस्तों, जब खून अम्लीय हो जाता है तो खून दूषित होने लगता है, और खून के दूषित होने से ही शरीर के सारे अंग धीरे धीरे प्रभावित होते हैं, परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इसको और विस्तार से मैं अगली वीडियो में समझाऊँगा। अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरे कारण की, कि हम दूसरा भोजन के साथ क्या गलती करते हैं। अगर हमारा गलत आहार, गलत विचार, गलत जीवन यापन होगा तो दोस्तों उसके परिणाम स्वरूप जो हम भोजन खाते हैं वो पूर्णतः डाइजेस्ट नहीं होता, पूर्णतः पचता नहीं है, हमारे शरीर को लगता नहीं है। या ऐसा कहिए कि शरीर में जो सात धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जब इन सातों धातुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी वो भोजन हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बनता है, तो वो उससे कुछ, उसमें कुछ विजातीय पदार्थ शरीर के अंदर जमा रह जाते हैं जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए लेकिन नहीं निकल पाते। अभी मैंने बताया चार अंग जो शरीर से बाहर निकालते हैं गंदगी को, उनकी कमजोरी के कारण वो विजातीय पदार्थ शरीर के अंदर पड़े रहते हैं, और परिणाम स्वरूप हमें रोगों की उत्पत्ति होती है। एक और तीसरा कारण है जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो है दोस्तों, हम नियमित रूप से जो भोजन करते हैं या सांस लेते हैं या जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तीन ही तरह का इंटेक हम लेते हैं, या तो हम भोजन लेते हैं या सांस लेते हैं या फिर हम पानी पीते हैं, इन तीनों के माध्यम से बहुत सारा विष प्रतिदिन हम ग्रहण करते हैं। भोजन में बहुत सारे माइक्रो वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं, हमारा जो हम सांस ले रहे हैं उसमें बहुत सारी, आजकल देख ही रहे हैं आप कितना प्रदूषण होता जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी खतरनाक गैसें शामिल हो सकती है, पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब हो सकती है, तमाम प्रकार के उसमें हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार भोजन, सांस और पानी के माध्यम से हम बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ टॉक्सिन्स ग्रहण करते हैं, नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह भी उनसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नेचुरल है, हमारा शरीर उनसे लड़ता है, लेकिन वही कि लगातार जब हम गलतियां करते हैं तो हमारे शरीर की जो वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब वो कमज़ोर होने लगती है तो इन टॉक्सिन्स को, इन माइक्रो जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, उनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, और वो जो दूषित विजातीय पदार्थ शरीर में पड़े रहते हैं उनके कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। एक और अगला कारण हो सकता है, चौथा कारण, वो है, आप जानते ही हैं, साइंस में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि दोस्तों हमारे शरीर में लाखों सेल्स यानी कोशिकाएं प्रतिदिन नष्ट होती है, प्रतिदिन जन्म लेती है, बनती रहती है, यानी कोशिकाओं का बनना और नष्ट होना ये लगातार चलता रहता है, और लाखों करोड़ों जो हमारे शरीर के अंदर अरबों की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस, छोटे छोटे माइक्रो ये जीव होते हैं, ये हर रोज़ बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर मरते हैं, नष्ट होते हैं, अब वो जो नष्ट होते हैं वो वहीं पड़े रहते हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, और वही उपरोक्त कारण कि कई बार वो बाहर नहीं निकल पाते।
जो कोशिकाओं का टूटना फूटना है, जो डेड सेल्स है या जो डेड बैक्टीरिया वगैरह है, डेड माइक्रोजीव हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो भी शरीर के अंदर पड़े रहते हैं, उनसे भी शरीर में टॉक्सिन्स बनता है, जहर बनता है। और इसी प्रकार उनके रुके रहने से दोस्तों हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों मैंने बताया रोगों का जो मुख्य कारण है वो है गलत आहार, गलत विचार और गलत जीवन यापन। इन तीनों के परिणाम स्वरूप शरीर में होता है गंदगी जमा, जहर बनना और दूषित विकार पैदा होना। इन जहर और गंदगी की वजह से हमारे जो अंग इसको बाहर निकालने का काम करते हैं वो हो जाते हैं कमज़ोर, और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो ये गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, तो परिणाम स्वरूप होती है रोगों की उत्पत्ति। अब हम इन रोगों को दूर करने के लिए सेवन करते हैं दवाइयों का। दवाई कोई सी भी हो, अब वो आयुर्वेदिक दवा हो या एलोपैथिक हो या कोई भी दवा हो, हम लगातार उन दवाइयों से उस जहर को, उस गंदगी को अंदर ही डाले, रोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। रोग तो कई बार थोड़ी कम समय के लिए दब भी जाता है, लेकिन वो गंदगी अंदर ही रहती है। तो दोस्तों जब तक वो गंदगी, शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकलती, रोग हमारा ठीक नहीं होता। और लगातार दवाइयाँ गोलियाँ खाने से वो रोग थोड़े समय के लिए दब जरूर जाता है, लेकिन इससे उल्टा हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती, जो वाइटल पावर होती, वो भी दब जाती है और वो उस गंदगी को बाहर निकालने में असमर्थ होती है। तो दोस्तों इस विषय को, इस पॉइंट्स को समझना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं अगली आने वाली वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करता रहूँगा। मेरी सारी वीडियो इसी के आसपास है, हमारे गलत आहार, गलत विचार और गलत जीवन यापन के बारे में ही ये पूरा मैं चैनल का बना है। आप लगातार मेरी वीडियो को देखेंगे तो इस विषय को और गंभीरता से समझ लेंगे। अगर हम अपने गलत आहार, गलत विचार और गलत जीवन यापन को ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।